ये है चोला फली, ये भी इस तरह से कच्चे ही हैं, इसको भी तल के इसके ऊपर मसाला छाट के खाते हैं दिवाली के टाइम। गुजरात में बहुत फेमस है, मैंने इसको रेडीमेड ही मंगाया है। ये मेरी सारी चोला फली तल के रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर ये मसाला होता है, तो ये हर एक पे ऐसे स्प्रिंकल करेंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है। एकदम तीखी मसालेदार चोला फली खाने की मज़ा ही कुछ और है। और अब ये सारी चोला फली में मसाला, जो मिर्च और मसाला था, छाट के रेडी हो गया है। तो बढ़िया सी ये चोला फली बनके रेडी है। अब इसको ठंडा होते ही एयरटाइट डब्बे में भर लेंगे, ये हफ्ते 10 दिन तक खाएंगे दिवाली के टाइम में। तो ये बढ़िया सी मेरी चोला फली और मठिए दोनों ही बनके रेडी हैं, रेडी टू ईट। ये मठिया और चोला फली बनके रेडी हैं, ये दिवाली के लिए मैंने बनाया है। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये चोला फली, इसके टुकड़े करके भी तले जा सकते हैं, पर मैंने ऐसे साबुत ही रखे हैं। तो बढ़िया सी चोला फली अब अपने डब्बे में भर के स्टोर कर ली है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।